कोरिया के चिरमिरी शहर के गोदरीपारा क्षेत्र का वार्ड 32 गुरु गोविंद सिंह वार्ड समस्याओं से जूझता हुआ नजर आ रहा है, जहां आम नागरिकों की जिंदगी रोजाना इन संघर्षों की आदि हो गई है। आपको बता दें कि वार्ड के लोग सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही वार्ड में हर तरफ गंदगी का आलम है। तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों की जिंदगी किस तरह से समस्याओं से भरी हुई है और हर दिन इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। वो बोले एसीसीएल के अंतर्गत में आता है, एनसीसीएल के अंतर्गत में आते हैं, तो एसीसीएल का काम क्यों करवा रहे हैं? पीछे का नाली पूरा घर के अंदर घुस रहा है। मैं पार्षद के कई बार बोला, पार्षद को बेटा कि इसमें नाली बनवा दो, सुनते नहीं है। इस साल नहीं, उस साल नहीं, इस साल पूरा साल गुजर जा रहा था। 20 साल से हम लोग इसका टैक्स देते आ रहे हैं। किसका टैक्स ले रहे हैं? एसीसीएल से ले रहे हैं कि हम मेरे से ले रहे हैं? जब मेरा भी एसीसीएल का जो पैसा दे रहे हैं तो उसका काम मतलब सफाई कराना चाहिए। ना झाड़ू लगता है, ना नाली निकालते हैं। बताइए हम लोग क्या करेंगे, किसके पास जाएं हम? इससे मच्छर कीड़े सब कुछ होते हैं और बहुत गंध आता है। मेरा घर एकदम जस्ट बगल में ही है और पूरा दीवार में ही मेरे डाल देते हैं। एक बार मेरी दीवार कचरे को ऐसे गिर चुकी है और ये दोबारा दीवार बनवाई हूँ और फिर दीवार में ही कचरा डाल के 4 महीने से चले गए। देखिए नगर निगम चिरमिरी को जो भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण करा करके जो अवार्ड दिया गया है, निश्चित रूप से चिरमिरी के लिए यह पीड़ादायक है। मैं यह कहूंगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में जो अधिकारी आए थे, मुझे लगता है कि महापौर और विधायक जी के दबाव के कारण ऐसे जगह का सर्वेक्षण कराया गया है जहां पे गंदगी नहीं था। मैं आज बता दूं, चिरमिरी के 40 वार्ड हैं, 40 वार्ड में ऐसा कोई भी वार्ड नहीं है जहां पे गंदगी नहीं होगा। नाली बजबजा रहे हैं, वहां से कीड़े निकल रहे हैं, लोगों के घर में जा रहे हैं।